पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, बहुत स्वागत है आपका और कीमती वक्त आपने निकाला। बहुत मेहरबानी। शुरुआत इसी से करूंगा, आप लोकसभा में थे, लगातार कन्फ्रंट था, लगातार आप प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो दिन याद है जब पीएम ने आपको पानी भी दिया था। अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, दो जगह सरकार है, एमसीडी में भी आप आ गए, लक्ष्य क्या है आगे का आपका? सबसे पहले हेलो, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। इंडियन न्यूज़ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊँगा कैसे है। आपने कहा लोकसभा में थे, लड़ाई करते थे, वेल में जाता था, 30-30, 40-40 सेकंड भी मुझे मिलते थे, 40 सेकंड तो 40 सेकंड में भी बोलना पड़ता था। तो अभी पहले चार थे हम 2014 में, 19 में मैं अकेला जीत के आया लोकसभा में। अभी गुजरात में 13% वोट मिले, 5 MLA, MCD भी जीते, तो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, सिर्फ 10 साल में। तो बहुत ही कमाल की बात है कि लोगों ने हमारे एजेंडे को एक्सेप्ट किया, स्कूल के एजेंडे को एक्सेप्ट किया, अस्पताल के एजेंडे को एक्सेप्ट किया, बिजली के एजेंडे को एक्सेप्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के और रोजगार के एजेंडे को एक्सेप्ट किया, और हम 10 साल में हम वहीं आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। हाँ, आने वाले दिनों में कहाँ जाना है वो तो आप ही बता देते हो कि कहाँ जाना है। हमने पहले एक बार आपसे, भगवान जी ने कहा कि एक पुराना रिश्ता है इंडिया न्यूज़ से, जो रिश्ते बहुत पुराने होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो एक इंडिया न्यूज़ का शो था हमारा, मान न मान, और आज से 12-13 साल पहले 2008 की बात होगी जी जी जी, तो बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए जज्बाती है। अचानक बैठते बैठते इनको याद आ गया, शुक्रिया आपका। पंजाब की जनता ने एक नया इतिहास लिखा, उसने वहाँ जो दल पहले सत्ता में आ रहे थे उनको हटा करके आम आदमी पार्टी को सत्ता की कमान सौंपी। बहुत सारे वायदों, बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी संभावनाओं के साथ आपकी सरकार वहाँ बनी है। आपने चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ों का वायदा किया, पानी का है, बिजली का है, नौजवानों का है, सिक्योरिटी का है, शांति का है, भाईचारे का है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। 9 महीने आपकी सरकार को हो गए, 9 महीने में कहते हैं कि एक इंसान जो है धरती पर आ जाता है। 9 महीने की सरकार जो भगवंत मान की पंजाब की है, उसका अपना रिपोर्ट कार्ड आज की तारीख में क्या है? देखिए, हमने आते ही वो काम शुरू किए जो सरकारें इससे पहले वाली जाते समय करती हैं, आखिरी 6 महीने में। शायद उनको लगता है कि हमारे 4.5 साल के जो लूट हमने की है, जुल्म हमने किया है, उसको भूल जाएंगे, सिर्फ आखिरी 6 महीने की बातें याद रहेंगी लोगों को। हमने आते ही पहले वो की जो आखिरी में करते हैं, बिजली फ्री का वादा किया 1 जुलाई से, 87% लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है, और बिजली जो PSPCL है उस पर हमने कर्जा नहीं लेके रखा, हमने 83% बिजली दोनों थर्मल प्लांट जो सरकार के हैं, रोपड़ और लहरामाबाद, 83% ज़्यादा बिजली की हमने पैदा की, बिजली बनाई। फिर हमने एक विधायक एक पेंशन, ये तो हमारी गारंटी में भी नहीं था कि हमने गारंटी दी। विधायकों की इतनी पेंशन होती थी, कईयों को तो हारने में फायदा था, अगर मैं 5 बार MLA रह लिया, अब अगर हार गया तो मेरी 3.5-4 लाख पेंशन होगी, अगर जीत गया तो सिर्फ सैलरी होगी। हमने वो बंद की, करप्शन हेल्पलाइन खोल दी। अब मैं आपके मंच पे, इस रेड कारपेट पे, नाम भी मंच है, मंच तो मंच पे मैं 20,557 सरकारी नौकरियां देकर बैठा हूं आपके सामने। अच्छा,
भगवान जी एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मैं बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, मैं नौकरियां भी दे रहा हूँ। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, कर्ज की भरपाई कैसे करेंगे आप? रेवेन्यू आपके पास कहाँ से आ रहा है? ये मुफ्त में जो आप दे रहे हैं कब तक दे पाएंगे? मान साहब इस पर ऐड कर दूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, ये मुफ्त की रेवड़ियां कहा, ये नहीं होना चाहिए। और एक कैंपेन भी चलाया गया कि ये जो मुफ्त की आदत लगाई जा रही है ये वोट बैंक से सीधे प्रभावित है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है। इधर का जवाब पहले दे देता हूं मैं। मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं बिजली के 300 यूनिट पर मंथ को, मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं फ्री इलाज को, मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं फ्री एजुकेशन को। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए ना ये मुफ्त की रेवड़ी। तो 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएगा। ये पापड़ किसने बेचा था सर? कहा साहब ये तो जुमला था, आप लोग क्यों माने? नहीं, हम जुमले वाले नहीं हैं, हम करते हैं। क्या आप प्रधानमंत्री को सवाल करने की हिम्मत करोगे कि सर वो मुफ्त का पापड़ किसने बेचा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा? सिर्फ अपने चुनाव में जुमला, अपने चुनाव में जुमला। हमारे वाला, अरे सर कनाडा अमेरिका डेवलप कंट्री भी देते हैं, वहां सोशल सिक्योरिटी कहते हैं इसको। लेकिन हमारे सामने तो भगवंत मान है ना, सवाल तो हम लोगों का जवाब दे रहा हूं सर। लोगों से पैसा लेके टैक्स का लीकेज बंद करके, भ्रष्टाचार बंद करके, जो पैसा इधर उधर जाता था उसको खजाने में लेके आओ और खजाने में से लोगों पर बिजली के रूप में, एजुकेशन के रूप में, मेडिकल हेल्थ के रूप में, सड़कों के रूप में वापस दे दो। यही तो सरकार होती है। सरकार का काम क्या होता है? लोगों से पैसा इकट्ठा करना, उनमें यकीन पैदा करना कि आपका टैक्स का पैसा आप ही पर वापस आएगा, तो लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। मुफ्त की आप दिल्ली में मुफ्त इलाज है, मुफ्त पानी है, मुफ्त बिजली है। दिल्ली का बजट 23,000 करोड़ से 69,000 करोड़ कैसे चला गया? सरप्लस है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम लीकेज बंद कर देते हैं। लीकेज बंद करो जी, तो हमारे पास पैसा बच जाता है। मान लिया, थोड़ा लीकेज के टाइम दे दो ना। एक तो मेरे आने द्वारे दो बैठ गए, अब मैं इधर होऊंगा। सर लीकेज के लिए टाइम तो दो ना। लीकेज कहां से हो रही थी ये पूछो। हाँ हाँ बताइए ना सर। 9,000 से ज्यादा एकड़ जमीन फॉरेस्ट की और पंचायत की, पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल लोगों के रिश्तेदारों से नजायज कब्जे से छुड़वाई है सर, छुड़वाई है 9,000 एकड़। और करप्शन के लिए हमने हेल्पलाइन जारी की है, 250 आदमी अंदर है। उस वक्त आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए, जब इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो 5 साल इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, वो खुद ही 1 करोड़ रुपया लेके विजिलेंस के पास आ गया कि ये 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे पे पर्चा मत करना। जब मुझे विजिलेंस हेड का फ़ोन आया कि वो 50 लाख की पहली किश्त देने आया सर केस रुकवाने के लिए, मैंने कहा अभी तो केस बनता है। फिर अंदर मतलब उसके घर की हमने तलाशी ली होशियारपुर में, आप सोच सकते हो क्या मिला? चलो घर तो बहुत ही आलीशान घर होगा, बंगला होगा पूरा, उसके घर से नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। किसी के घर पे नोट गिनने वाली मशीन होती है सर? बैंक में होती है। इसका मतलब उसका परिवार नोट गिन गिन के थक गया था कि जी हमसे हर रोज ये काम नहीं होगा, मशीन ले आओ। ये लीकेज बंद हुई है सर, ये लीकेज, ऐसे हम बिजली फ्री दे रहे। लीकेज आपने बंद किया। आप जो आपके वायदे हैं उसमें एक था कि आप यहाँ से गैंग वॉर खत्म करेंगे, शांति लेकर के आएंगे। आपके स्टेट के गैंग्स आप देखें तो गैंग वॉर वहाँ ज़्यादा हो गया है, अलग अलग गैंग्स बन गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनके एक्शंस हो रहे हैं। ये स्थितियाँ पंजाब में हैं तो उस वो आपके वायदे के खिलाफ तो है ना, जो आपने लोगों से वायदा किया कि शांति ला देंगे, ये गैंग वॉर बंद होगा, लेकिन है ये गैंग जो हैं, जो गैंगस्टर हैं, ये पिछले 8 महीने में नहीं बने, ये इन्हीं के पाले हुए थे, कांग्रेस और अकाली दल, बीजेपी तो साथ में ही थी। लेकिन सरकार आपकी है ना? नहीं सर, हम कर रहे हैं ना, लेट मी फिनिश सर। जेल ब्रेक होती है नाभा की, हाई सिक्योरिटी जेल ब्रेक होती है। जेल ब्रेक होने से 5 मिनट बाद सुखबीर बादल होम मिनिस्टर थे, बयान आता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो तो शुक्र है 5 मिनट पहले नहीं दिया बयान कि जो जेल ब्रेक होगी उसमें पाकिस्तान का हाथ है। मतलब और वहां से अगर पाकिस्तान 250 किलोमीटर अंदर आ गया नाभा में, तो तुम होम मिनिस्टर किस बात के हो? तुम बेअदबी होती है गुरु ग्रंथ साहब की।
इनके राज्य में मिड्डू खेड़ा और एक मजीठा हलके में एक थानेदार SHO अपनी बेटी की इज्जत बचाते हुए शरेआम थाने के गेट के सामने गोलियों से मार दिया जाता है और उसकी छाती पर पांव रख के अपने आका के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। वो मेरे से अमन कानून की स्थिति का जायजा मांग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे तालिबान AK-47 पर कैंडल मार्च निकाल रहे हों कि शांति चाहिए। इन्होंने पैदा किए हुए सारे, हम पकड़ रहे हैं उनको। अब खलबली इसलिए है कि हमने पकड़ लिए बहुत सारे, और खलबली इसलिए भी ज्यादा है कि वो नाम किसका ले रहे हैं। हम चालान पेश करेंगे ना, तब बताएंगे किस किस का नाम ले रहे हैं, कि किसने पैदा किए। ये बात तो लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की हो गई, लेकिन हमने देखा अभी कुछ समय पहले पुलिस थानों पर रॉकेट लॉन्चर्स मारे गए, आए दिन ड्रोन की घटना होती, जिसको लेकर आप गृह मंत्री से मुलाकात हुए, उसके विषय में बताइए। पंजाब देखिए बॉर्डर स्टेट है, ये तरन तारण मोहाली बॉर्डर स्टेट है, और वो दुश्मन देश जो है आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करता रहता। इसके लिए हम कहें कि हम क्रेडिट लेंगे, नो, हम मिलकर चल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, NIA के साथ, BSF के साथ, हम आपस में तालमेल के साथ चलते हैं। अगर फर्स्ट लेयर BSF है, अगर फर्स्ट लेयर हम वो कोई ड्रोन वगैरह क्रॉस कर लेता है, सेकंड लेयर पंजाब पुलिस की है, हम पकड़ लेते हैं। अगर फर्स्ट लेयर में पकड़ा तो वो हमें देते हैं कि ये था। अब क्या करने लगे हैं वो, पहले सिर्फ ड्रग्स था, अब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, तो ड्रोन में 1 किलो हेरोइन के साथ साथ वो पिस्टल भी भेजने लगे हैं। मैं इन्हीं से काम करवाओ, ये खतरा है। हाँ, मैं पंजाब का खतरा है, हमने पकड़े हैं कि इन्हीं से काम करवाओ, ये भी कर दो वो भी कर दो, तो गैंगस्टर प्लस टेररिज्म मिक्स कर दिया। लेकिन हमारी BSF और हमारी पंजाब पुलिस इतनी सक्षम है कि हम नहीं जाने देंगे उसको अनट्रेस्ड। भगवान जी मुझे थोड़ा पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने मीटिंग की है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। बहुत से ड्रोन ऐसे हैं, आपको सुन के हैरानी होगी, जो इधर से उड़ते हैं, इधर से उड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से सामान लेकर इधर आ जाते हैं। उसको जब हमने गिराया तो पता चला ये तो इंडिया का था, लेकिन उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। आजकल तो ड्रोन कल्चर हो गया, शादियों में भी ड्रोन इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल रैलियों में ड्रोन इस्तेमाल होता है, और कबड्डी टूर्नामेंट में ड्रोन। तो हमने एक सुझाव दिया है माननीय होम मिनिस्टर साहब को कि ड्रोन की रजिस्ट्रेशन तो करनी शुरू करो, जैसे मोटरसाइकिल और कार के। हमने ऐसा ड्रोन पकड़े जिसका इंडिया का नंबर था, तो हमें क्लू मिलेगा इसके पास नंबर ड्रोन था, इसने किसको दिया, कैसे हुआ। तो 533 किलोमीटर की हमारी सरहद लगती है, लेकिन एक एक चप्पे पे हमारी नज़र है, और लॉ एंड ऑर्डर में हम वैसे भी पंजाब में सोशल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। AK-47 और बम नहीं तोड़ पाए, अब जमीन टूटेगी। मैं तो यही कहता हूँ अभी भगवान जी के लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरे वाह, अभी हम लोग चूंकि गैंग्स की बात कर रहे हैं और गैंग वॉर की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने महीनों चलाया सिद्धू मूसेवाला की हत्या। गोल्डी बरार, खबर आई कि गोल्डी बरार गिरफ्तार कर लिया गया, प्रधानमंत्री मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। गोल्डी बरार कहाँ, देखिए वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, सिद्धू मूसेवाला मेरा छोटा भाई था, मैं उसी लाइन से आता हूँ, कल्चरल लाइन, जो सिंगर्स और एंटरटेनमेंट की लाइन से आता हूँ। बहुत दुख है मुझे, हमने सारे शूटर्स जो गए थे वो भी पकड़ लिए, अब हम मास्टरमाइंड्स की तरफ हैं। हमने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया कि कनाडा में है ये सब कुछ कर रहा है, अब हम बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, बट इट्स ए टॉप सीक्रेट थिंग, ये मैं मीडिया में नहीं बता सकता, लेकिन अपने कैमरे जल्दी ही तैयार रखना,
कुछ ना कुछ होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं गोल्डी बरार कभी भी, उसके बारे में बड़ी खबर आ सकती है और न्यूज चैनलों को तैयार रहना चाहिए। जब मैं तस्दीक करी रहा हूँ, तो पहले ही तैयार रहते हो। हाँ, मैं पूछताछ करी रहा हूँ तो दो लोग और ध्यान में आ गए, जहन में आ गए, ये चन्नी साहब और सिद्धू जी कहाँ हैं? चन्नी साहब परसों वापस पढ़ते हैं और बाबा मुबारक के कांग्रेस के CM वापस आ गए। मैं तो कहता हूँ भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो कर लेते तो अच्छा था। सिद्धू जेल में है, आधी कांग्रेस अंदर है आधी बाहर है। ठीक है, मतलब थोड़ा मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले, कांग्रेस देश में अब चेंज नहीं रही। लेकिन एक बात तो सुनो, कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। किसी के 5 MLA कम पड़ते हैं, कांग्रेस से ले लो। आपकी बहुमत थोड़ा कमजोर है, ज्यादा स्टेबल बना, कांग्रेस से ले लो। मतलब उनको तो ये लिख देना चाहिए अपने ऑफिस पे, यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस है, क्या मजाक बना रखा देश का उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने जो गुजरात चुनाव था, बहुत एक्सटेंसिव आप लोगों ने कैंपेन किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी के रूप में आई और एक वोट बैंक मिला, कहा इससे बीजेपी को फायदा हुआ वहां से। तो फिर कांग्रेस तो ये भी कहेगी बीजेपी भी ना लड़ती, हम ही जीतते। नहीं, आप तो कह रहे थे हमें सरकार बनाएंगे। हमें हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। बिल्कुल है। फिर वो डरते क्यों है कि अगर ये ना आते तो हम ये कर देते। भाई हम, हमारी पार्टी है, हम दिल्ली में कांग्रेस की नेशनल कैपिटल है, 1885 में बनी हुई पार्टी है, नेशनल कैपिटल है। 2015 2020 में कितने विधायक हैं दिल्ली में उनके? एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं। फिर मैं कहता हूं अगर कांग्रेस ना लड़ती गुजरात में, हम अच्छा कर देते, उनसे तो अच्छी कर रहे हैं। एक बात भगवान जी बताइए, चूंकि आप नेशनल पार्टी हो गए हैं, इसका प्रचार भी बहुत आप लोगों ने किया कि हम नेशनल पार्टी हो गए हैं, गुजरात में 5 विधायक सही लेकिन 13% वोट लेकर के आ गए हैं, 2024 के सपने भी हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक सांसद नहीं है और 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप, तो आपको ये नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में फर्क होता है और आपकी तैयारी 2024 के लेकर है भी तो कैसी है? नहीं, फर्क होता है। 1984 में बीजेपी के कितने थे लोकसभा? दो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाकर, जनता डेमोक्रेसी में जनता बड़ी है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, तो हम 2024 को 2024 के मुद्दों के सिलसिले में लड़ेंगे कि देश कहाँ गया, कहाँ हमें जाना चाहिए था, कहाँ पहुंच गए, इंडस्ट्री हमारी, GDP हमारी कहाँ जा रही है। मतलब हमारी जो माननीय वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब वो ये भी कह सकते हैं कल को टाइटैनिक नहीं डूबा था, पानी ऊपर आ गया था। मतलब ये बात है करने की थी। आप थोड़ा सा तो ध्यान दो ना कि आपके पास फाइनेंस है देश का, अगर आप प्याज नहीं खाती जनता तो खाती है ना, तो प्याज का इसका मतलब अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, उसकी कीमत आपके आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो हालात हो गए हैं, अब इसमें हम क्या करें। ये MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, फिर भी कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए सरकार हमारी बनेगी, मेयर हमारा बनेगा, कहाँ से कैसे? फिर कहते हैं लोकतंत्र का कैसा, जब हम 134 जीत चुके हैं तो मेयर हमारा बनना चाहिए, किस पार्लियामेंट में कह रहे हैं मेयर हमारा बनेगा? तो मतलब इनको लोकतंत्र खरीदना आ गया, लोकतंत्र को लालच देना आ गया, तो ये लोकतंत्र की हालत कर दी इन्होंने। तो दिल्ली में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इससे पहले आपने कहा कि आप गुजरात में गए लेकिन बात नहीं बनी। भाई साहब, हम 0 से 5 पर चले गए, 13% हमने वोट ले लिए, हमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हार गई। तमिलनाडु में एक विधायक जीत गया था नहीं, लेकिन का 2 दिन मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा, खाता खुला, खाता खुल गया है साउथ में, बीजेपी का खाता खुल गया। तो हमारे खाते को खाता नहीं मानते, तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लेकिन मान साहब, बड़े 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 उपरले मन से कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बन गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गए मान लिया। लेकिन जो ये 24 की लड़ाई है मान साहब, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। इसमें बार बार एक चीज आती है कि बीजेपी के सामने चेहरा कौन होगा।
हमने कई बार सुना आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो केजरीवाल साहब लड़ सकते हैं, तो क्या ऑपोजिशन से अलग रहकर केजरीवाल साहब अकेले लड़ेंगे? आप मानते हैं पीएम मटेरियल हैं केजरीवाल साहब? नहीं, देखो हमने कभी नहीं कहा, हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम 130 करोड़ जनता को जिताने के लिए आए हैं। पंजाब में भी आप कहते थे चेहरा कौन, पंजाब में लोग जीते हैं, मेरा तो बस नाम ही है, लोग जीते हैं, पंजाब के 3 करोड़ लोग जीते हैं, तो ये चेहरा देते हैं? आपने कभी उनसे पूछा कि हिमाचल में चेहरा कौन? नहीं दिया ना। कांग्रेस के चेहरे पर लड़ाई हुई, वो सुक्खू साहब बने हैं, मैं बधाई देता हूं उनको, हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हिमाचल उन्होंने, में उनके मुख्यमंत्री उन्होंने मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर भारत जोड़ो भी पैदल कर ली, उनकी कैबिनेट फाइनल नहीं हो रही, साइन नहीं हो रहे ना, तो मतलब हमारी पार्टी को कहते तो दिल्ली से चलती है, ये वहाँ से चलती है। भाई साहब डेमोक्रेसी में हैं, 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, गोवा में 2 MLA हैं, पंजाब अपना गुजरात में 5 MLA हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, अब तो हमें पार्टी मान लो, अब तो पार्टी मान लो, बिल्कुल मान लो। नहीं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए धीरे धीरे आपको समझना भी इतना आसान नहीं है, आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं है। पहले आप एक दायरे में थे, वहाँ से नहीं जाना चाहते थे, फिर एक दायरे में गए, फिर आपने गुजरात, अब कहाँ नहीं है, उत्तराखंड हैं आप, हिमाचल हैं, गुजरात हैं, आने वाले साल में कई राज्यों में चुनाव है, सबकी तैयारी आपकी है। एक नेगेटिव आपके नेता ने गढ़ा है राष्ट्रवाद का कि मेरा राष्ट्रवाद बहुत बढ़िया है, यानी कुल मिलाकर के 2024 की लड़ाई, रजत ने कहा कि आप अकेले लड़ेंगे, मोर्चे के साथ करेंगे, आपने उसका सही जवाब नहीं दिया है। लेकिन चंद्रशेखर राव से मिलने के लिए भगवंत मान क्या करने गए थे? मैं आप ये मत कहे कि मैं उनके साथ बिजनेस मीटिंग करने गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली की सरहदों पर कि जितने भी किसान शहीद होंगे मैं 2 लाख रुपए उनको दूंगा, तो मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके 1 महीने बाद फोन आया कि जितने भी किसान हैं उनकी लिस्ट भेज दीजिए, हम पैसे देने जाते हैं। हमने कहा जी हमारे पास जो लिस्ट है वो हमने भेज दी। वो तेलंगाना के जो चंद्रशेखर राव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो आए पंजाब में और उन्होंने चेक बांटे 2-2 लाख के सबको। मैंने अपने घर पे उनको चाय पिलाई। अभी मैं चेन्नई और हैदराबाद इन्वेस्टमेंट का हम सबमिट कर रहे हैं, उसके लिए बुलाने के लिए गया तो हैदराबाद गया तो उनका कटसी कॉल आया। मैंने आपसे पूछा कि 2024 से पहले जो रिश्ते बनाए जाते हैं, जो रास्ते निकाली जाती हैं, उसके लिए तो नहीं गया? नहीं जी, मैं तो हैदराबाद, वो भी तो विपक्ष को जोड़ रहे हैं, उन्होंने मोर्चा तैयार करने की तैयारी में भी है। उन्होंने कॉल किया, मुझे चाय पे बुलाया, मैं उनके घर पे गया। बाकी ऐसी कोई अपोजिशन या ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं हाई कमांड का एक मेंबर हूँ, बाकी बैठ के हमारी हाई कमांड अरविंद जी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अरविंद जी की अगुवाई में वो फैसले लेती है, ऐसे मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके कोई ऐसा ऑफर दूँ या कोई ऐसा। चलते चलते एक सवाल आखिर, क्योंकि आपका समय भी हो गया है, आपने पंजाब में बेइंतहा लोगों की सुरक्षा हटाई, नवजोत कौर की हटा दी, प्रगट सिंह की हटा दी, 122 लोगों की सुरक्षा हटा दी, तो सब लोग बेवजह सुरक्षा में थे या फिर कोई कारण था? मैं साहब इसमें ऐड भी कर दूं, क्योंकि गुजरात में आप कैंपेन कर रहे थे तो मुझे बताया किसी ने कि जब आप लोग गुजरात जाते थे कैंपेन करने तो वो जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां होती थी आपके पास तो ठीक आती थी, लेकिन केजरीवाल साहब के पास जो गाड़ियां आती थी वो पुरानी गाड़ियां भेज दी जाती थी, कई बार शॉर्ट किया जाता था, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए इसका जनता से। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले आए भी थे कि कुछ फंड्स था बस वो नहीं मिला था, यही दिक्कत है। इस सवाल का जनता से कह लेते हैं सेंटर से जो उनको केजरीवाल को पुरानी गाड़ी दे दी मुझे नहीं दे दी, लोगों का क्या लेन देन है इससे? आप कृपया आप अपने सवाल बदलिए, जनता के सवाल पूछिए मुझसे। बिजली फ्री कर दी, 0 बिल आया है 87 घरों को, सेंटर से कन्फ्रंटेशन जो है जी, हमें पुरानी दे दो नई दे दो, गाड़ी होनी चाहिए बस, ठीक है। अच्छा सेंटर से कन्फ्रंटेशन का मामला है, सेंटर से कन्फ्रंटेशन समय आपने कहा था फंड्स हमारे हैं रूरल डेवलपमेंट के नहीं मिले, करते हैं, हमें कोयले के चक्कर में डाल दिया। ये भगवंत मान साहब ये उठाना चाहता हूं मैं,
उड़ीसा में एक महानदी कोल माइन है, वहाँ से पंजाब कोल लेता था और रेल से आता था। अभी इन्होंने फरमान पत्र जारी किया कि वहाँ से आप ना पूरी बंदरगाह पे लेके जाओगे कोयला, फिर उसमें शिप में उसको लोड करोगे, फिर श्रीलंका के ऊपर से आके आप सीधा मुंद्रा एयरपोर्ट पे आओगे, वहाँ से आप अनलोड करोगे, फिर वहाँ से ट्रेन को पंजाब कोयला देगी। इतनी ऑडियंस बैठी है, मुझे बता दो अगर उड़ीसा से पंजाब आना है तो वाया श्रीलंका आते हो? वाया श्रीलंका, वाय चार गुना महंगा पड़ रहा है हमें कोल। तो हमने कहा सर ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तुगलकी फरमान है ये तो। तो कहते हाँ ये तो है, हाँ चलो ठीक कर लेंगे। हमने अपनी कोल माइन चालू की पचवाड़ा में झारखंड में, 70 लाख मीट्रिक टन हम कोयला निकालेंगे। अब पिछले हफ्ते पहली ट्रेन आई थी, तो हमने कहा जी हमारे पास दो ही सरकारी थर्मल प्लांट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पीपीए के अंडर है वो कोयला महंगा ले रहे हैं, हम उनको सस्ता कोल दे देते हैं हमारे वाली माइन से, उनका टैरिफ भी नीचे करवा लेंगे फिर सस्ती बिजली। कहते दे दो लेकिन 800 रुपीज़ पर टन हमें रॉयल्टी दो। भाई साहब को माइन हमारी ट्रेन का हम किराया दे रहे हैं, रॉयल्टी किस बात की? तो मैंने एचएम साहब से मिला था कि अगर राज्यों को कुछ देना नहीं कम से कम छीनो तो मत, ऑलरेडी हम डेट में आपने कहा 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है, हम अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे लेकिन कम से कम हमारी बाम रोड के आप पैसे तो मत लो। 250 करोड़ रुपया आरडीएफ का रोक रखा है, तो सेंटर हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? बी पठानकोट में हमला हुआ, हमला तो देश पर ही था जब पठानकोट आए थे, 8.5 करोड़ का बीएसएफ का बिल भेज दिया कि जी 8.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। मतलब पंजाब को मिलिट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी अब, कि पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते ये। तो मैंने जब मैं एमपी था तब मैंने कहा जी मेरे एमपी लैड से काट लो, अब मेरे एमपी लैड से पैसे ले लो। मतलब हम पंजाबी 90% कुर्बानियां देश को याद करवाने में अभी भी हमारे सीने वहां पे तने हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहली गोली पंजाबियों की के सीने में आती है, हमसे मिलिट्री के पैसे मांग रहे हो आप? वो मामला हिंदुस्तानियों का है और मुझे लगता है कि एजेंसीज के लिए खर्चे जो होते हैं ना उनका एक तरीका होता है। सर अगर वो आगे आ जाते निकल आते वो पठानकोट से दिल्ली आ जाते मुंबई आ जाते तो देश पे हमला था, देश पे हमला रोकने के पैसे दें? हम ऑलरेडी बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी सरकार वहाँ नहीं बनी, चलो सरकार तो क्या बनेगी, दो एमएलए हैं सर पंजाब में, 117 में से दो स्कूटर पे भी आ सकते हैं, हम कोई उनका चलान नहीं करेंगे डबल सवारी का। मतलब फिर भी आप ऐसा कर रहे हो कि ये क्यों आ गए इनको, राज्यपाल हमारे फुल स्टेट है, हमारे गवर्नर साहब वो कहते हैं एसएसपी हटा दिया आपका चंडीगढ़ से, जबकि एसएसपी चंडीगढ़ में पंजाब का होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है हरियाणा का, अभिशारा तो है। उन्होंने कहा कि जी क्यों हटा दिया, हमने कहा क्यों, कहते मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया आपने, कहते जी टेलीफोन पे बता दिया था आपके सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन पे बता दिया था। मैंने कहा ऐसा करते हैं अब हम अगली विधानसभा भी शुरू करेंगे तो टेलीफोन पे बता देंगे राज्यपाल को कि हम विधानसभा शुरू करने जा रहे हैं, कागज पत्र कोई चीज नहीं होती, मतलब लोकतंत्र का ये टकराहटें हैं वो, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां गवर्नर स्टेट के बीच में टकराहटें चल रही हैं, लेकिन आपने आकर के समय निकाला, अपनी बात रखी और शानदार तरीके से रखी, आपकी जुबान धार में चलती है और शानदार चलती और है। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के लिए, मेरे छोटे भाई हैं कार्तिक जी, अभी एमपी राज्यसभा हैं, पहला सेशन भी इनका अभी आया था, तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए अपने कीमती समय निकाला। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.